मामला ये है कि उन्होंने जो है मुझे बधाई दी, सिमरिया से आप चुनाव की टिकट कंफर्म हो गई है, बधाई हो आपको। तो मैंने जो है उस पर उनको बोला कि मैं जो सिमरिया में चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, मेरे पास दो लोग वहाँ से अलग से हैं उनको होगा, और यदि आप चाहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना, क्योंकि करोड़ों का चुनाव वहाँ होता है, तो आप एक काम करिए कि वहाँ पर जो है मजाक में बातें हमारी चल रही हैं, और उस मजाक में हमने बात बोली कि उसमें जो है अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप 10 लाख रुपये RTGS कर दीजिए मुझे, ताकि मैं चुनाव वहाँ लड़ सकूँ। ये बातें मजाक में चल रही हैं, और ये जो उन्होंने किया है, तो अगर ये बात जो है आज से कई दिन पहले की बात है जब वो मुझे बधाई दे रहे थे, जब तक टिकट कन्फर्म नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो रही पहले क्यों नहीं बोला, और बोला तो वो भी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। उन्होंने ऑडियो भेज के ये बात करेंगे, उसके बाद जो है मुझे भेज के ऑडियो, और इसमें आप सुन सकते हैं, मैं आपको सुना भी देता हूँ ऑडियो का, सुन लिया है तो इसमें क्या बोल रहा है, शुरू से सुनिए कि बधाई हो बधाई, मतलब मेरे को टिकट मिल गई इस बात की बधाई हो दे रहे हैं, और सिमरिया से आप चुनाव लड़िए। तो मैंने उनको बोला चुनाव लड़ने का मुझे नहीं, दूसरा कोई लड़ेगा। इस बात को ऑडियो उन्होंने, इसको ऑडियो जो है ये कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई उदाहरण हुए, जैसे देवतलाव से हमारे यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ज्वाइन किया था, उनको टिकट नहीं मिला, क्या वो कम पैसे वाले थे, यदि पैसे कन्वर्ट कर लेते। यहाँ पर राजकुमार रुमलिया जी पूर्व विधायक ने ज्वाइन किया, उनको टिकट तो नहीं मिली, हमारे जो संघर्ष कर रहे हैं उनको मिली। रही बात जहाँ प्रखर प्रताप सिंह की, प्रखर प्रताप सिंह पैरामीटर के हिसाब से वो जो है 10 में से 9 पैरामीटर हैं, 7-8 बार उन्होंने मध्य प्रदेश में गारंटी में जो है टॉप किया उन्होंने, उसके बाद पूरे गुण में घूमिए, जब से ज्वाइन किया उन्होंने लगातार कोई दीवालें ऐसी नहीं होंगी जिस दीवाल के अंदर में उनका वॉल पेंटिंग ना हो, वो ऐसा कोई जगह ना हो जहाँ पर लगातार वह कर रहे। अब ये इन्हों का काम क्या है, उन्होंने जो ऑडियो किया है इसको कोई भी आदमी किसी भी जगह में सुन सकता है कि वो मुझे बधाई दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम पाठक जी के यहाँ बैठे हैं, मैं अभी तुम्हारी टिकट कटवा देता हूँ, अभी कैंसिल करवा देता हूँ, मना कर देता हूं। ये तो कई बार और भी कई बार मजाक चलती रहती है, क्योंकि बार बार जब लोग फ़ोन करते हैं, यहाँ पर किसी की कोई संपर्क नहीं है। अभी तक आप पूछ लें किसी के पास अगर संदीप जी का किसी का नंबर हो या उनके घर का एड्रेस किसी के पास हो तो मुझे बता दें, मुझे तो नहीं मालूम था, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और ये मजाक में उनसे बातें चल रही थी, क्योंकि बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, वो सोच रहे थे बस मैं दिल्ली में हूँ, मेरे साथ में जो लोग बैठे, यहीं इंदिरा नगर बैठा हुआ था मैं, तब ये बातें हो रही थी। और एक जो है निहायत ही पार्टी को बदनाम करने ऐसे लोग हैं जो कि आज से 6 महीने पहले आए थे, टिकट ना मिलने, उनको चुनाव लड़ना था, सिर्फ चुनाव लड़ना है, वरना मेरे ऐसे आदमी जैसे मैं हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है सिमरिया से चुनाव न लड़ूँ, या मुझे पार्टी चुनाव टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन उसको बताया हुआ। तो ऐसे लोग जो है सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, और इस ऑडियो में जो लोग हैं वो स्पष्ट सुन सकते हैं कि इसमें जो है बातें इस प्रकार की कोई लेन देन की बातें नहीं है। ये बात तब हुई है जब उन्होंने मुझे बधाई दी है, तो मैंने बोला तब मैं चुनाव लड़ूंगा जब आप लोग सहयोग करेंगे जानबूझ के, क्योंकि मजाक में और किसी से बातें नहीं होती, मजाक में आपस में ऐसी बातें हमारे साथ होती थी, और वो अब इस चीज़ को मुझे भेज के और ब्लैकमेल करने की कोशिश की उन्होंने कि ये है नहीं तो मैं ऑडियो वायरल करूंगा, मेरी टिकट पलटनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला वो ऑडियो क्यों वायरल नहीं कर रहे हैं, जिसमें मैंने बोला तुम कितना, अगर तुम समझ रहे हो पैसे टिकट मिलती है तो तुम करोड़ों रुपये दे के आओ और टिकट लेके दिखाए कोई आदमी। कौन सा दूसरा वाला? मेरे में रिकॉर्ड नहीं होता, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। आपने ऑडियो में बोला है कि 2018 विधानसभा चुनाव में आपने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इसका कोई चुनाव आयोग? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला है पूरी तरह से। नहीं नहीं, ऑडियो में आप अर्पित जी सुनिए मेरे को, ऑडियो को मैं फिर सुना देता हूँ आपको, ऑडियो सुना दूं मैं। हमने 2018 में खर्च किए, ये नहीं बोला मैंने, ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने ये बोला है, सुनिए मेरी बात। वहाँ पर जो है 2 करोड़ रुपए मेरे पास अगर आज होंगे तो मैं वहाँ चुनाव जीत जाऊँगा, ऐसे खर्च करने वाले 18 की बात मैंने की है। 18 जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं बोला जो मैंने खर्चा किया बताया था मैंने, उस 18 के चुनाव में मेरे साथ में क्या हुआ, जो मैं कम 10-15 लाख से जब चुनाव लड़ा तो बता रहा हूँ आपको, ऑडियो सुन लीजिएगा, उसमें मैंने करा तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ वाले लोगों को जो लोग वहाँ पर धन वाला लोग हैं, मालूम चला ड्राइवर को बोल दिए कि आज नहीं आना, 2 लाख रुपये तुम लेके बैठ जाओ, ये मैंने उनको बताया कि वास्तविकता ऐसे चलती है, और इसके लिए जो है अपने को टिकट अगर आपको मिलती है तो आप इसके लिए मजबूत रहिए। अगर मानहानि का दावा होगा इनके खिलाफ, पार्टी मानहानि का दावा करेगी और ये बताएगी, और ऑडियो को एक एक चीज़ को जो बातें हुई हैं उस पर है, और मैं स्वयं जो है इस बात पर संज्ञान लिया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, अच्छा हुआ कि आप लोग मेरी बाइक मेरा ये ले रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी के अंदर में कोई भी आदमी आकर पैसा देकर टिकट नहीं ले सकता, इसका बहुत उदाहरण है। अभी भी कोई काम अगर उनको हो टिकट, अभी वो कर कोई चेंज करा के देखे, वहाँ तो मनगवा में हमने टिकट पहले बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं टिकट के लिए बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर इसमें है, अब जिन लोगों को नहीं मिल रही है वो जबरन का ऐसा आरोप लगाएंगे, और जिसके ऑडियो में अच्छा हुआ कि ऑडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें से क्या बातें हो रही हैं। मेरे सिमरिया विधानसभा को चुनाव को लड़ने के लिए जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको ये बात बोली है कि आप सब सहयोग करेंगे तो करिए, तो मैं अभी लड़ूंगा तो क्यों लड़ूंगा मैं चुनाव। जैसा कि आपने सुना है कि जो वीडियो जो वायरल सॉरी ऑडियो जो वायरल हुई है और ये सत्य है, और जैसा कि
वीडियो ऑडियो में आपने सुना होगा कि प्रमोद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपने पूरा सभी लोगों ने सुना होगा लास्ट का जो स्टेंजा था, ठीक है ना, और राजनीति में कभी मजाक नहीं होता है, ये सीरियस वे में बात हो रही थी। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि ठीक है, देखते हैं कि अगर आपकी मेहनत होगी तो आपको टिकट मिलेगा, और अन्यथा अगर प्रखर की आ गई तो आप ये मान के चले कि ये प्रमोद शर्मा ने टिकट दिलाया है। और ये पूरा सत्य है, सूर्य को सूर्य ना कहते हुए चांद कहना ये गलत है, सत्य को असत्य ये बताया जा रहा है कि ये हंसी मजाक में बात हुई, जो कि ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में हंसी मजाक नहीं होता, ये सीरियस वे में बात हुई है। और इसकी जो शिकायत थी, ये शिकायत मैंने अपने उच्च स्तरीय जो अधिकारी लोग हैं उनको मैंने ये ऑडियो भेजा था, मैंने इसको वायरल मतलब अपने अधिकारियों को भेजा था कि इस पर संज्ञान लें। और पार्टी की तरफ से मतलब किसी प्रकार का कोई भी है ना रिएक्शन नहीं आया, और उन्हीं में से कहीं वायरल हुआ। कब की ये बात है, कब बात हुई थी आप लोगों दोनों के बीच? ये दो तीन दिन पहले मतलब जब वो टिकट हुआ, टिकट आया था उसके शायद 2 दिन पहले की बात है। और इन्होंने मुझसे कई बार पैसे मांगे हैं, उसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो चल रहा था कार्यक्रम, पर मुझे ये ऐसा था कि ये लग रहा था कि नहीं, पार्टी अपनी ईमानदार है, और जो ईमानदार का जो मेरे ऊपर चश्मा लगा था, और मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि नहीं यार ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए मैं ना वेट एंड वॉच के स्थिति में था। और जब टिकट फाइनल हुआ तब मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, और टिकट का जो ये कार्यक्रम जो चला है, और ग्राउंड लेवल पे मैं मेहनत भी कर रहा था। कितने की डिमांड कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे? आपने सुना होगा कि 10 लाख रुपये की उन्होंने डिमांड करी थी, बोले आप मुझे तुरंत RTGS कीजिए अन्यथा आपकी टिकट कट जाएगी। किसने कहा था ये? प्रमोद शर्मा जी ने कहा था, वो ऑडियो में आप सभी लोग के लिए मांग रहे थे 10 लाख? यही है कि आप तुरंत मुझे भेजिए और आपको आपका टिकट हो जाएगा। आप उस वीडियो को शायद आपने सुना होगा सभी लोगों ने, उसमें मतलब स्पष्ट रूप से जो वार्तालाप हो रहा है वो यही हो रहा है। और लास्ट के जो स्टेंजा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपको आपकी मेहनत पे टिकट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलेगी तो ये मान के चलना कि टिकट प्रखर प्रताप की मैंने करवाई है और आपका पत्ता कट हो गया। उन्होंने आप पर मानहानि का दावा करने की बात की? सर मानहानि, देखिए जो सत्य है ये कहीं भी आप ये लेके चले जाइए, इसमें मैं कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि शिवमोहन शर्मा झूठ बोल रहा है, ठीक है। और ये जो सत्य है इसलिए मैंने सत्य को उजागर किया, जिससे पार्टी में ऐसे दलाल जो हैं, जो मेरे जैसे जो कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्यों मानते हैं उनके पास टिकट कटा आपका? बिल्कुल, मतलब टिकट मिला नहीं, आप मिली नहीं आपको? मैं मेहनत कर रहा था ग्राउंड लेवल पर, और सभी जगह से मेरा यही था कि आपका ही है, कहीं ना कहीं टिकट कटवाने में उनका हाथ है। बिल्कुल, आप ये सोचिए ना कहीं उनका बिल्कुल हाथ है। और ठीक है, पार्टी ने जो ये डिसीजन लिया है, और कहीं ना कहीं तो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से इस ऑडियो के माध्यम से आप समझ गए हैं, और प्रूफ है ये कोई गलत नहीं है। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप क्या है, ठीक है, अब हम बैठे हैं, और ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि प्रखर प्रताप को तो बढ़िया अच्छे से चुनाव लड़े, पर मैं ये चाहूँगा कि पार्टी ने इस तरह से जो मैंने ऊपर शीर्ष के लोगों को जो भेजा था उस पर इन्होंने कोई एक्शन ना कोई फ़ोन करते हुए मतलब कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं दिया, और मैं ये चाहूँगा कि उनको इन पर रिएक्शन लेना चाहिए, और ना ही उन्होंने किसी ने मुझसे बात करी। मेरे पास है ना व्हाट्सएप पे कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, अगर चाहते तो नॉर्मल कॉल आ सकता था, ठीक है ना, व्हाट्सएप कॉल पे रिकॉर्डिंग होती नहीं है, अगर मुझे कॉल करते तो नॉर्मल अपने कॉलिंग पे होता तो और भी सारी चीज़ें साझा हो सकती थी।